ये इंटीग्रेशन है, इसको इंटीग्रेट करना है। पार्शल फ्रैक्शन का थोड़ा नया टाइप है, तो आप इसके पहले पार्शल फ्रैक्शन समझिए कि कैसे पार्शल फ्रैक्शन करते हैं। इसको लिखने का स्टाइल है, वो स्टाइल भी मैं आपको डिस्कस करता हूँ। तो टू इंटीग्रेट दिस इंटीग्रल वी शैल मेक पार्शल फ्रैक्शन ऑफ इंटीग्रेंड 3x माइनस 2 एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर एक्स प्लस 3। इट्स पार्शल फ्रैक्शन विल बी लाइक दिस, ए अपॉन एक्स प्लस 1। एंड द वेरी फर्स्ट थिंग, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर विच इज देयर। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। इफ इट इज देयर देन वी कैन प्रोसीड नाउ। सो इट्स पार्शल फ्रैक्शन शुड बी रिटन लाइक दिस, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इज देयर। यू कैन सी एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इज देयर, सो वी शैल राइट ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन स्क्वायर। सपोज इफ इट हैज एक्स प्लस वन क्यूब, देन वी विल हैव टू राइट बी अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वन होल क्यूब। एंड एक्स प्लस वन टू द पावर फोर इज देयर, देन वन मोर टर्म विल कम डी अपॉन एक्स प्लस वन होल टू द पावर फोर। बट हियर इन दिस केस वी हैव ओनली अप टू एक्स प्लस वन स्क्वायर, सो इट शुड बी रिटन लाइक दिस। इट इज अ स्टाइल ऑफ मेकिंग पार्सल फ्रैक्शन विच इज टू बी कैप्ट इन माइंड। एंड द सेकेंड टर्म एक्स प्लस थ्री, सो सी अपॉन एक्स प्लस थ्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अश्योर हाउ टू मेक पार्सल फ्रैक्शंस। सो इफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ एनी ऑफ द फैक्टर्स इज मोर देन इट शुड बी रिजॉल्व इन दिस वे, ए अपॉन एक्स प्लस वन बी अपॉन एक्स प्लस वन स्क्वायर सी अपॉन एक्स प्लस वन क्यूब एंड सो ऑन। नाउ एलसीएम ऑफ दीज थ्री टर्म्स फ्रॉम डिनोमिनेटर्स, सो एलसीएम विल बी सेम विच इज इन लेफ्ट साइड, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इन टू एक्स प्लस थ्री, द सेम थिंग विच इज देयर इन द लेफ्ट साइड, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर एक्स प्लस थ्री। नाउ डिवाइड दिस टेकन एलसीएम बाय डिनोमिनेटर एंड देन मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर। सो ऑन डिवाइडिंग दिस एक्स प्लस वन होल स्क्वायर एक्स प्लस थ्री बाय एक्स प्लस वन वी शैल फाइंड एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री एज कोशेंट। सो इट इज एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री प्लस ऑन डिवाइडिंग एक्स प्लस वन होल स्क्वायर एक्स प्लस थ्री बाय एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, नाउ वी शैल हैव एक्स प्लस थ्री ओनली एज कोशेंट। सो इट शुड बी रिटन लाइक दिस, बी इंटू एक्स प्लस थ्री। इन एंड इन द सेम वे इफ वी शैल डिवाइड द टेकन एलसीएम बाय एक्स प्लस थ्री वी शैल हैव एज अ कोशेंट एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। सो एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इज देयर। डिनोमिनेटर्स ऑफ बोथ द साइड्स कैन बी कैंसल्ड, सो वी हैव कैंसल्ड डिनोमिनेटर्स ऑफ बोथ द साइड्स। द एक्सप्रेशन थ्री एक्स माइनस टू ए एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री बी इंटू एक्स प्लस थ्री सी इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर हैज कम एज अ फाइनल आउटकम। नाउ टू फाइंड ए बी एंड सी वी शैल सब्स्टिट्यूट सर्टेन वैल्यूज ऑफ एक्स, एंड एज यू कैन सी दैट इन डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन इंटीग्रल ऑफ विच पार्शल फ्रैक्शंस आर मेड एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री,
zeros of these two factors will be minus 1 and minus 3. So first of all, we shall put x is equal to minus 1. So on putting x is equal to minus 1 in both the sides, let us see what happens. 3 into minus 1 minus 2 is equal to a into minus 1 plus 1 minus 1 plus 3, b into minus 1 plus 3 plus c into minus 1 plus 1 square, which implies 3 into minus 1 is minus 3, minus 3 minus 2 will be minus 5, is equal to a into 0. So no need to write it. B into minus 3 plus 1 is minus 1 plus 3 is 2. So it is 2b. And you can see that c into minus 1 plus 1 whole square, which is 0. So no need to write c into 0 because it is already 0. So it implies value of b is minus 5 by 2. Keep this value in your record. Now we shall put x is equal to minus 3, second zero of the denominator. X is equal to minus 2 on putting minus 3, sorry. X is equal to minus 3. So it implies on putting x is equal to minus 3, left side will be 3 into minus 3 minus 2. Right side a into minus 3 plus 1 minus 3 plus 3 c into minus 3 plus 1 whole square, which implies 3 into minus 3 is minus 9, minus 9 minus 2 is minus 11, is equal to a into 0 is there, so no need to write it. And similarly, b into minus 3 plus 3 is 0, so no need to write b into 0 because both the terms are 0, and 0 plus c into this will be c into minus 2 plus 1 whole square, means 4c, implies value of c is minus 11 upon 4. It should be taken into the record. Now, there are three constants, A, B, and C are there in this expression, which we can say star. Let's name this equation as star. So three constants it has, A, B, and C, but we are able to find B and C on the basis of zeros of the denominator. So now we can substitute any other value which we find is suitable. So suitable and most important, an easy value. So let's put x is equal to 0 now, which we have not substituted till the time. So on putting x is equal to 0 in star, any value, either you wish to put x is equal to 1 or 2 or 100 or 3000 or whatsoever number you find is lucky for you, but x is equal to 0 is an easy value and it will be easier for us to calculate. 3 into 0 minus 2, a into 0 plus 1, 0 plus 3, b into 0 plus 3 plus c into 0 plus 1 whole square, which implies minus 2 is equal to thrice of a plus thrice of b
plus c. And as we have calculated values of b and c, so values of b and c can be substituted from our record. So 3 into a, you can see value of b is minus 5 by 2, value of c is minus 11 by 4, left side is minus 2. So minus 2 plus, on transferring these two values on left hand side, minus 2 plus 15 by 2 plus 11 by 4 is equal to 3a. Again, it is a time to take LCM. So LCM of 1, 2 and 4 is 4. Divide this 4 by denominator in your mind. So divide this 4 by 1, 1 4 the 4, and then multiply it with numerator. So minus 4 into 4 into minus 2 is minus 8, 2 2 is 4, and 15 2 is 30. And similarly, divide this 4 by 4, 4 1 is 4, and multiply it with numerator, 11, 3a, which implies 30 minus 8 is 22, 22 plus 11 is 33, or some problem is there. Minus 8 plus 28, okay. Minus 8 plus 30 is 22, okay. 22, 22 plus 11 is 33. Is this value correct? Minus 11 by 4 is there, correct. And value of A should be, okay, it is correct. So 33 by 4 is equal to 3A. Now cancel both the sides by 3. It becomes 11. So A is equal to 11 by 4. As we have obtained values of A, B and C, so on putting values of A, B and C in the partial fraction, which we did not name, so now we can name this as equation 1. So on putting values of A, B and C in 1, 1 becomes 3x minus 2 upon x plus 1 whole square, x plus 3 is equal to A. Value of A is 11 by 4. So 11 by 4 upon x plus 1. Value of B. Value of B is minus 5 by 2, I think. So minus 5 by 2 upon x plus 1 whole square. Value of C is minus 11 by 4 upon x plus 3. At the last, both the sides should be integrated to find the value of I. So on integrating, right, on integrating both the sides, with respect to x. So this left side 3x minus 2
अपॉन एक्स प्लस वन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री डी एक्स इज इक्वल टू 11/4 इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस वन. सो आई एम राइटिंग द रिक्वायर्ड फॉर्मूलाज. वन अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ए एक्स प्लस बी इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए एक्स प्लस बी बेस ई. एंड द सेकेंड इज ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन. इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इंटू कोफिशियंट ऑफ एक्स विच इज ए बट द थिंग विच इज शुड बी टेकन केयर ऑफ दैट एन शुड नॉट बी माइनस वन. So, on applying these two formulas, we can integrate integration of first term 11 upon 4 log of x plus 1 base e minus 5 by 2, integration of second term minus 5 by 2 using second formula, because 1 upon x plus 1 whole square can be written as x plus 1 whole to the power minus 2. So its integration will be x plus 1 to the power minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1. And denominator will have coefficient of x, which is 1. Minus integration of third term, minus 11 by 4, and using the first formula, 1 upon ax plus b as log ax plus b upon coefficient of x should be there in this formula. I am extremely sorry that I have not written. It should be there, 1 upon a. So minus 11 by 4 log of mod of x plus 3, and because coefficient of x is 1, so 1 should be written here and here. Similarly, in the first integral, plus an integral constant c. So at the last, this is the integral of given integral 11 by 4 log of x plus 1. 11 by 4 log of x plus 1 and 11 by 4 log of x plus 3. These two can be combined. So 11 by 4, if we take common, then property of log should be imposed now. So according to property of log, log m minus log n is log m upon n. So it is log x plus 1 upon x plus 3 minus 5 by 2 into this minus 1. So it is 5 by 2, 1 upon x plus 1 plus an integral constant c. So this is the answer of the given integral. Hope you could have understood this.